मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग खड़े हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं किसी के कब्र के सामने। ये वही लोग रहते हैं जिसे ब्रायन ने मारा होता है, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। ये सब उन लोगों के परिवार वाले रहते हैं और कसम ले रहे होते हैं ब्रायन को मारने की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रायन अपनी कार वॉश कर रहा होता है और फिर अपनी बेटी से मिलने पहुंचता है उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए। पर वहां उसे लेनोर बताती है कि किम अपनी बॉयफ्रेंड के साथ है। वैसे ही ब्रायन गुस्साने लगता है और वहां से जाने लगता है, तभी लेनोर कहती है तुम कुछ नहीं करोगे। तब ब्रायन भी यह कहकर चला जाता है मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है किम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। वैसे ही ब्रायन वहां पहुंचता है और डोर पीटता है। वैसे ही किम का बॉयफ्रेंड आता है और डोर खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो किम का डैड है। तभी किम भी वहां आती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। और फिर दिखाया जाता है ब्रायन किम को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और वो घर तक वैसे ही जाते हैं। और फिर किम घर के अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ ब्रायन अपने दोस्त को कॉल कर उसे किम के बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड को पता करने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन के दोस्त को दिखाया जाता है वो अपने अपार्टमेंट में जा रहा होता है और जब वो अंदर जाता है वैसे ही उसके सर पे कोई कस के मारता है। और जब उसे जैसे ही होश आता है तो पता चलता है कि वो ब्रायन को ढूंढ रहे होते हैं और उसके पास उसके कार्ड की वजह से वहां आए हुए रहते हैं जो ब्रायन ने उसका कार्ड यूज किया हुआ होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को अपनी एक्स वाइफ के घर के आगे गाड़ी में दिखाया जाता है और फिर वो अंदर जाता है तो पता चलता है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब रहती है अपने रिलेशन को लेके सेकंड हस्बैंड के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ वो लोग जो ब्रायन को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें पता चलता है कि ब्रायन अभी इस्तांबुल में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर ब्रायन को वहां अपना सिक्योरिटी वाला जॉब फिनिश करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद ब्रायन अपने एक्स वाइफ को वेकेशन के लिए पूछ ही रहा होता है, पीछे से उसे पता चलता है कि किम और लेनोर उसे वहां सरप्राइज देने पहुंच गए हैं और फिर वो उन्हें रूम में सेटल कर फ्रेश होने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो लोग भी टर्की में एंट्री ले रहे होते हैं बाय रोड इस्तांबुल जाने के लिए। और तभी ब्रायन को ड्रेस चेंज कर अपनी वाइफ के रूम में आते हुए दिखाया जाता है, पर उसे वहां पता चलता है वो बाहर नहीं जाएगी थके होने के कारण। तो ब्रायन किम के साथ बाहर जाता है और टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग भी इस्तांबुल पहुंच चुके होते हैं और अपने साथी से जाकर मिलते हैं जहां वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का, जहां ब्रायन अपने रूम में तैयार हो रहा होता है अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने के लिए। और जैसे ही वो लॉबी में आता है तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग वहां ब्रायन पे नजर रखे हुए होते हैं और उसका बाहर जाने का वेट कर रहे होते हैं। वैसे ही ब्रायन अपनी वाइफ के साथ बाहर जाता है, किम वहीं रुक जाती है यह कहकर कि आज वो स्विमिंग के मूड में है। और फिर दिखाया जाता है ब्रायन और लेनोर गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, तभी ब्रायन की नजर एक गाड़ी पे पड़ती है और वो कुछ टर्न मुड़ने के बाद समझ जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। तभी वो अपनी एक्स वाइफ लेनोर को बोलता है कि जैसे ही गाड़ी रुके तो वो गाड़ी से उतर जाए और एक जगह का नाम बताता है और वहां पहुंचने के लिए भी कहता है। उसके बाद लेनोर को गाड़ी से उतर कर जाते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ ब्रायन ड्राइवर को निकाल कर खुद ड्राइव करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ब्रायन को चेस कर रहे होते हैं और तभी वो लोग आगे से और पीछे से ब्रायन को ब्लॉक कर जब गाड़ी में देखते हैं तो वो वहां नहीं रहता है। दूसरी तरफ लेनोर को दिखाया जाता है वो ब्रायन के कहे मुताबिक उस जगह पे पहुंचती है पर लॉक होने के कारण वो वहां से निकल नहीं पाती है। तभी सीन शिफ्ट होकर फिर से ब्रायन पे फोकस होता है जहां वो लोग ब्रायन के पीछे जाते हैं और फाइट होती है, ब्रायन सबको मारता है। वैसे ही एक उनमें से लेनोर को लेके आता है और ब्रायन को गन डाउन करने के लिए कहता है। तभी ब्रायन अपनी बेटी को फोन कर कहता है मैं और तुम्हारी माँ को ले जाया जा रहा है, जैसा मैंने बुक के बारे में कहा है उसे फॉलो करो और ये लोग तुम्हारे पीछे भी आएंगे, वहाँ से शांत होकर निकल जाना। और यह कहकर ब्रायन फोन तोड़ देता है। फिर दोनों को एक वैन में ले जाया जाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग को किम के तलाश में आते हुए दिखाया जाता है, वो किम को उसके रूम में और ब्रायन के रूम में ढूंढते हैं पर किम ब्रायन के कहे मुताबिक उसके सीक्रेट क्लोजेस में छुपी हुई
छवि रहती है जहाँ वो आके चले भी जाते हैं, जबकि उन्हें वहाँ नहीं दिखती और वो लोग जाते ही वह कुछ बॉडीगार्ड को मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को एक जगह पे लटके हुए दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने शो में से एक डिवाइस निकाल अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है उसे कि अमेरिकन एम्बेसी में चले जाओ, पर किम मना कर देती है और कहती है मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। तब ब्रायन उसे अपना ब्रीफकेस निकालने के लिए कहता है और मैप पे मार्क कर ग्रेनेड फेंकने के लिए कहता है, जिससे कि वो बता सके कि वो कितने दूर के डायमीटर में है। वैसे ही वो लोग की आने की आवाज सुन ब्रायन अपना डिवाइस फेंक देता है और एक्टिंग करने लगता है। और तभी किम ब्रायन के कहे मुताबिक एक गन और दो ग्रेनेड लेके वहाँ से होटल के पीछे से निकल कर एक टैक्सी में वहाँ से चली जाती। और फिर दिखाया जाता है कुछ लोग ब्रायन के पास आते हैं और उसे मारते हैं और याद दिलाने के लिए कुछ फोटो भी दिखाते हैं, पर ब्रायन पहचानने से मना कर देता है। तभी लेनोर को वहाँ पे ब्रायन के सामने वो लोग ला के बैठाते हैं और एक छोटा सा कट मारकर लेनोर को मास्क पहना कर उल्टा टांग देते हैं और ब्रायन से कहते हैं तुम्हें अब पता चलेगा अपनों को खोने का दर्द, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके हेड को कॉल आता है किम वहाँ नहीं है, तो वो वहाँ से अपने कुछ आदमियों के साथ चल देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और किम को दिखाया जाता है वो ब्रायन के बताए जगह पहुँच कर वहाँ ब्रायन का वेट करती है, और उसी वक्त ब्रायन अपना हाथ खोल लेता है उन लोगों के जाने के बाद और अपनी एक्स वाइफ को नीचे कर बैठाता है और किम से बात करता है, उसे ग्रेनेड फेंकने को कहता है और ब्लास्ट की साउंड से पता चलता है कि वो कितना दूर है, और फिर दूसरी बार कहता है फेंकने को 30 तक गिनने के बाद। तभी दूसरा वाला आवाज सुन ब्रायन एक स्मोक क्रिएट करता है जिससे कि किम को पता चल सके कि वो कहाँ है, और तभी किम को एक स्मोक दिखता है और वो वहाँ जाके गन ब्रायन के लिए गिरा देती है। और तभी वो लोग भी आ जाते हैं ग्रेनेड की आवाज सुनकर, पर ब्रायन गोली मार कर वहां से निकलता है। और तभी दिखाया जाता है उनमें से एक किम के पीछे जाता है, तभी ब्रायन आकर उसे भी गोली मार देता है और दोनों को एक टैक्सी लेकर भागते दिखाया जाता है और पहुंचते हैं लेनर को लाने के लिए। पर गाड़ी में से उतरने से पहले ब्रायन किम से कहता है अगर 5 मिनट में मैं नहीं आया तो तुम यूएस एम्बेसी चले जाना, और यह कहकर जब वो अंदर जाता है तो देखता है लेनर वहां नहीं रहती है। थोड़ा आगे जाने के बाद देखता है वो लोग उसे एक गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। उतने में उन लोगों का साथी एक एजेंट पुलिस वहां आता है और तभी ब्रायन भी वहां आ जाता है। जब किम गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है वैसे ही वो एजेंट देखता है और अपना गन निकालता है, तो ब्रायन उसी समय उसे गोली मार कर वहां से किम के साथ बैठकर उस टैक्सी में भागता है। उसके पीछे पुलिस और दूसरे पड़े रहते हैं। वो सबको जैसे तैसे संभाल कर यूएस एम्बेसी में डायरेक्ट वो टैक्सी लेकर घुस जाता है और फिर अपने दोस्त को फोन करता है और ये कहता है कि कोई जान पहचान का है जिसे ये बता सको कि वो हमें गोली न मारे। उसके बाद किम ब्रायन से पूछती है क्या मॉम ठीक है, तब ब्रायन कहता है हाँ वो ठीक है पर उन लोगों के पास है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है वो लोग लेनोर को एक जगह पे कैद कर रखे हुए होते हैं और लेनोर से बोलते हैं अब आपके साथ क्या करें मिस मेल। उसके बाद ब्रायन को दिखाया जाता है वो अपने सेंस के मुताबिक आगे बढ़ता है, जैसे कि उसे जहाँ पकड़ा गया था और कहाँ कहाँ से वो लोग उसे ले गए थे वो याद कर उन आवाज को फॉलो करता और एक जगह पहुँचता है। इत्तेफाक से लेनोर भी वहीं रहती है। ब्रायन अंदर जाता और वहाँ बैठे गेट पे एक आदमी को मारकर अंदर एंट्री करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लोग किम को टॉर्चर करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और ब्रायन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, तभी बीच में गोलीबारी होती है। वैसे ही वो लोग को भी समझ में आ जाता है ब्रायन यहाँ आ चुका है। तभी वो लोग और उसका बॉस रहते हैं वो सब किम को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। वैसे ही ब्रायन भी उनके नजदीक पहुँच चुका होता है और उन सबको गोली मारते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो लोग वहां से निकल कर मार्केट में आ जाते हैं। ब्रायन भी उनके पीछे मार्केट में आ जाता है और वो लोग एक छोटे से होटल में चले जाते हैं। तभी ब्रायन भी वहां जाता है और एक कर डोर चेक कर रहा होता है, तभी उनमें से एक ब्रायन पे गोली तानता है। तभी दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ब्रायन उसे मार आगे बढ़ता है और लेनोर के पास जाता है। उसके बाद उस आदमी के पास जाकर उसके पॉकेट से उसका सेलफोन निकालता है और रिंग करता है और उसे फॉलो करता है, जहाँ एक कोने में उनका बॉस छुपा हुआ होता है। ब्रायन उसे पूछता है तुम्हारे कितने बेटे हैं, तो वो बोलता है 2, और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या मुझे मारने आएंगे, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तब ब्रायन कहता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम मुझे अपना जवान दो कि अब कुछ नहीं करोगे। तब वो कहता है क्या मैं अपने बेटे की मौत को भूल जाऊं। तब ब्रायन कहता है मैंने तो अपनी बेटी के किडनैपर को मारा था, अच्छा होगा तुम चले जाओ और बेटे और पोतों के साथ अपनी जिंदगी बिता।
बताओ, अगर तुम ये मान लेते हो तो मैं अपनी ये गन छोड़कर चलता बनूंगा। तब वो अपना सर हिलाता है और जब ब्रायन वो गन रख कर जा ही रहा होता है, वैसे ही वो गन उठा लेता है। तभी ब्रायन आके उसके सर के पीछे लगे दीवार पर हैंगर से टकरा देता है, जिससे कि वो वहीं मर जाता है। और फिर ब्रायन लेनोर के पास जाकर उसे गले लगाता है और सीन शिफ्ट होता है और ब्रायन को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है, जहां वो किम के ड्राइविंग टेस्ट को देते हुए दिखाया जाता है। और किम के पास होने के बाद लेनोर ब्रायन किम को एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है। और तभी किम का बॉयफ्रेंड जिमी वहां आता है और मूवी का द एंड हो जाता है।